पंड्या स्टोर, मतलब कि हमारी धरा का बैड लक वैसे ही कुछ कम चल रहा था कि अब उसमें एड ऑन करने पहले तो उनकी बहन आई, अब उनकी माता जी भी आ गई हैं। और आप जानते हैं ना कि धरा की जो बहन है आरुषि, वो दरअसल शिवा को बुद्धू बना रही है ये शादी का पूरा खेल रचकर। शादी में जो है लड़का, ये लड़का? हाँ, यही है ना, एक नंबर का गोबर प्रसाद। शिवा को करनी है शादी। अब शिवा के हिसाब से तो वो बैचलर है ना, तो देखिए आयुषि उसे पसंद आ गई है और अब वो उसके साथ ब्याह करना चाहता है। इधर शिवा घर से निकला तो पीछे पीछे धरा भी आ गई है। धरा रोकना चाहती है शिवा को, तो वहीं आरुषि और उसकी मम्मी कॉफी शॉप में इंतजार कर रही हैं शिवा का। अब आरुषि धरा की बहन है तो उस हिसाब से आरुषि की मम्मी धरा की भी तो मम्मी हुई ना। धरा और उसकी बहन की बिल्कुल नहीं जमती है। ऐसे में जब शिवा और आरुषि शादी की बात करेंगे एक दूसरे से, उस वक्त धरा भाभी क्या करेगी। और रही बात आरुषि की मम्मी की, तो वो तो चाहती है कि आरुषि की शादी यहीं पर हो जाए सोमनाथ में। हाँ, मतलब मेरी बहुत इच्छा है, जैसे आम तौर पे सभी माँ बाप की इच्छा होती है कि लड़कियों ने या लड़कों ने माँ बाप की पसंद के लड़कों से शादी करनी चाहिए, लड़कियों से शादी करनी चाहिए। तो इवन आई एम ट्राइंग टू कन्विंस, मैं अभी वो इसमें हूँ, जर्नी में हूँ। अभी आज हम लोग वही लड़के से मिलने जा रहे हैं, मेरी बेटी कन्विंस हो चुकी है। मैं खुद यहीं से बिलोंग करती हूँ। कुछ टाइम पहले मैं भगोड़ी बन गई थी, मैं भाग गई थी, बट मुझे यहाँ के लोग पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पे आके बस जाए। अब आरुषि ठहरी मुंबई की लड़की, उसे तो अपनी मम्मी को ये दिखाना है कि यहाँ के लड़के उसके काबिल ही नहीं है। फिलहाल तो शिवा उतावला हो रहा है आरुषि के साथ शादी करने के लिए। मैं मेरी मम्मी को शिवा से मिलवाने वाली हूँ, और उसका रीज़न ये है कि मेरी मम्मी जो है वो मुझे बार बार बोलती रहती है कि शादी कर लो, शादी कर लो, और मुझे सोमनाथ के लड़के से शादी नहीं करनी है। तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे कितने गवार लोग हैं। अब रावी वैसे ही परेशान है, धरा भाभी से भी नाराज़ है। और उसी पल जब ये पता चलेगा कि आरुषि तो धरा की बहन है, तब तो और बवाल हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।